मॉर्निंग बच्चों बच्चों, ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्या उसकी बात को मिलाएंगे चलो। उसी एक अपनी खुशी ने हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक स्टडी के बारे में पढ़ा था, लग बीजाण या माइक्रोस्कोप लेंसेज पढ़ा था, ठीक। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फॉलिंग लेंस या डेवलपमेंट ऑफ मिल ग्रेटोफाइट शुरू कर रहे थे, ठीक। पराकर के बारे में पढ़ा था, टेसेस ऑफ पॉलीसाइट, ठीक ये पढ़ा था, या पराकोष का स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके बाद हिस्ट्री में गाइनोसियम के बारे में हम लोगों ने देखा था, गाइनोसियम में कुछ भाग हिस्ट्री का स्टाइलोजी सभी पार्ट सुन रहा था। बीजान पढ़ा था ओव्यूल की उसकी संरचना, टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी तक पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके बाद एक जो मुख्य हेडिंग है मेरे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से एक हेडिंग आती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजान जनन, इसी को कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एग्जाम में इसी नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, गुरु बीजान जनन पूछ लेते हैं किस नाम से पूछते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। और मेल गैमेटोफाइट पराक्रम के अंतर्गत को ही डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं, या नर विकास यहाँ पर मादरी को धुलका विकास कह रहे हैं। अब देखते हैं गुरु बीजान जनन प्रक्रिया चहुंती कहा, ठीक। गुरु बीजान जनन प्रक्रिया ओवरी गायनोसियम के ओवरी अथवा अंडाशय में चलती है, और ओवरी अथवा अंडाशय के अंदर जो बीजाण पाया जा रहा था, ओव्यूल या बीजाण पाया जा रहा था, उस बीजाण में ऊपर की जो संरचना हम लोगों ने बनाई थी, जैसे ये जो संरचना हम लोगों ने बनाई थी, इसमें यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये संरचना पाई है न्यूसिलस, संरचना पाई जा रही थी NUCPWLS। न्यूसिलस संरचना की जो कोशिकाएं होती है, न्यूसिलस संरचना की जो कोशिकाएं होती है मेरिस्टमैटिक ऊतक वाली होती है या मेरिस्टमैटिक टिश्यू वाली होती है, उसी भाग में ही जो है एम्ब्रियोसाइट का विकास गुरु बीजाणु जनन के द्वारा होता है। लेकिन एम्ब्रियोसाइट क्या भ्रूणकोष पहले बनता नहीं, ये तो अंतिम में बनता है, तो स्टार्टिंग कैसे होती है या फिर जो स्टार्ट या शुरुआत कैसे होती है गुरु बीजाणु जनन की, एम्ब्रियोसाइट तो क्रियात्मक गुरु बीजाणु से लास्ट में बनेगा बाद में, लेकिन जो है स्टार्टिंग कैसे होती है होता है न्यूक्लियस कोशिकाओं में ही है, ऊतकों में ही होता है, और लेकिन स्टार्टिंग कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ हम लोग समझना है समझना है। अगर स्टार्ट देखते हैं हम लोग तो स्टार्ट में सबसे पहले बाहर की ओर एक एपिडर्मिस या पार्श्विका होती है, ठीक, और अंदर की ओर एक समान कार्य वाले ऊतकों का समूह पाया जाता है, एक ही तरह का दिखाई देता है। कुछ समय बाद देखते हैं कि परिधि के समीप या परिधि के पास वाली एक कोशिका में कोशिका द्रव्य सामान्य से अधिक हो जाता है और केंद्रक का और जो है केंद्रक का भी आकार में थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इस कोशिका को नया नाम दिया जाएगा प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल, ARCHESPORIAL, प्राइमरी आर्किस्पोरियल कोशिका इसे कहेंगे, ठीक। ये सबसे डिफरेंट या सबसे भिन्न दिखाई देती है और इसका विभाजन जो है पेरिक्लिनल हुआ है, कह सकते हैं परिधि वायु त्वचा के समीप कोशिका से हुआ है, ठीक, या इसीलिए जो है प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहेंगे। उसके बाद प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल में फिर जो है परिधि विभाजन होगा, ठीक। परिधि का मतलब बताया था पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल, जैसे ये कोशिका है इस प्रकार से अनुप्रस्थ विभाजन होकर दूसरी कोशिकाएं बन गई, इससे इसे पेरिक्लिनल कहा जाएगा। और अगर लंबवत डिवीजन होता है जैसे इसमें डिवीजन हुआ एक बन गई तो वो एंटीक्लिनल बोलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से परिधि विभाजन होता है और प्राइमरी आर्किस्पोरियल कोशिका जो थी वो दो कोशिकाओं बढ़ जाती है, एक तो परिधि की ओर रहती है परिधि के समीप रहती है एपिडर्मिस की तरफ, उसे प्राइमरी पैराइटल कोशिका कहा जाता है, क्या कहते हैं प्राइमरी पैराइटल कोशिका, और जो दूसरी नीचे की तरफ केंद्र की तरफ कह सकते हैं होती है उसे प्राथमिक बीजाणु या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका कहते हैं। अब जो प्राइमरी पैराइटल कोशिका होती है या ये विभाजन कर भी सकती है और नहीं भी करती, कभी कभी ये विभाजन करती है और ऑब्जर्विंग या
ऐसा, और मेगा स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाण मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। ये द्विगुणी संरचना होती है, ठीक। मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड या द्विगुणी संरचना होती है और प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका ही मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्जन के बाद जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है उसमें अल्पसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस होती है, और अल्पसूत्री विभाजन के पश्चात चार अगुणित मेगा स्पोर बनते हैं, चार अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, और चार अगुणित गुरु बीजाणु बनने में जो ऊपर वाले तीन होते हैं, जो ऊपर वाले शीर्ष वाले तीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, डीजेनरेट हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और नीचे वाला जो होता है कह सकते हैं नॉन कल्चर होते हैं। ऊपर वाले पाए तो जा रहे हैं लेकिन ये नॉन कल्चर है, इनका कार्य नहीं है, और नीचे वाला जो होता है मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु अमृत यही क्या है, कल्चर होता है, और यही इसका निर्माण करता है, एम्ब्रियोशयक या भ्रूण कोष का निर्माण करता है। इसे ही डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है या मादा युग्मपत्री का विकास। बच्चों इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से तो पूछा जाता है, दोनों नाम से पूछा जाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस भी और फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके आगे बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा डेवलपमेंट का, एम्ब्रियोशयक या भ्रूण कोष का विकास, ठीक। थैंक यू बच्चों।